गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़ आज के जो ब्लॉग है वो है शॉपिंग ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज मैं सदर जा रही हूँ जहाँ ज्वेलरी मिलती है बहुत ही चीप प्राइस पे, और जो भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में मिलती हैं। बहुत ही अच्छा मार्केट है, तो मैं देखती हूँ क्या क्या मिलता है, कितना मैं एक्सप्लोर कर पाती हूँ, क्योंकि चांदनी चौक के ब्लॉग में मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी। सो अब मैं जा रही हूँ आज फाइनली सदर। बहुत टाइम से मैं प्लानिंग कर रही थी, तो चलिए चलते हैं। सदर जाने के लिए मैं ऑटो से गई थी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, 1 बज गया था दिन का, और मैं डायरेक्टली चाहती थी कि मैं मेन मार्केट जाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखूँ, एक्सप्लोर करूँ मार्केट में क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले मैं 2014 में मार्केट गई थी, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गई, तो मैं बहुत टाइम से प्लानिंग कर रही थी कि मैं अब मार्केट में जाऊँगी। सो आप नियर बाय किसी भी मेट्रो स्टेशन से सदर आ सकते हैं, आप इसे गूगल पर सर्च करिए। जैसे मैं मार्केट में पहुंची, सबसे पहले मैंने रुई मंडी जाना था, बिकॉज़ वो फेमस है आपकी एक्सेसरीज़ कॉस्मेटिक के लिए। अगर आपको कॉस्मेटिक लेना है तो सदर मार्केट में एक फेमस गली है, मटके वाली गली, सो आप वहां पर भी जाके परचेज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक, बट आपको वो डज़न के हिसाब से मिलेगा, होलसेल प्राइस पे आपको वो मिलेगा, बिकॉज रिटेल में वो लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं कोई भी आइटम को सेल करना। सो आप ट्राई करिए कि आपको रिटेल में मिल जाए। सो मेरा सबसे पहला मेन मोटो था कि मैं पहले रुई मंडी जाऊं और वहां से अपने लिए चीज़ें बाय करूं, जो भी मुझे एक्सेसरीज़ वगैरह चाहिए थी। तो सबसे पहले मार्केट में एंटर करते ही मैंने सबसे पहले पटरी मार्केट में इस तरह की ड्रेसेस देखी, जो अब क्रिसमस आने वाला है तो संता की ड्रेसेस बहुत चल रही हैं, तो अगर हम नॉर्मल मार्केट से कंपेयर करें तो ये अराउंड हमें 300-350 की मिलती हैं, जबकि सदर में ये एक पूरा पेयर 100 रुपीज़ में मिल रहा था, जिसमें कैप हो गई, आपकी बैग हो गया, जो संता की कैप वगैरह रहती है, तो इस तरह की ड्रेसेस यहाँ पर मिल रही थी। सो अनदर एक्सेसरीज़ भी यहाँ पर काफ़ी मिल रही थी, जैसे बैंगल्स हो गए, कड़े हो गए, इस तरह के मिल रहे थे 50-50 अराउंड। सो इस तरह के यहाँ पर कड़े भी मिलते हैं और बैंगल्स भी मिलते हैं, जो आप इसे बाय कर सकते हैं रिटेल में। रिटेल में ये एक बॉक्स 40-50 का अराउंड मिलता है, लेकिन अगर इसे आप डजन में बाय करते हैं तो ये आपको कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, और आप इनके साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की रिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, अगर आप इसे सिंगल पेयर बाय करते हैं तो ये 10-20 रुपीज़ में मिलती हैं, लेकिन अगर इसे आप पूरा बॉक्स बाय करते हैं तो ये 40-50 रुपीज़ में आपको पूरा बॉक्स भी मिल जाएगा। हेयर एक्सेसरीज़ वहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, जो क्लिप्स हमें 100-100 रुपीज़ की मिलती हैं मार्केट में सिंगल, वो यहाँ पर 30-20 रुपीज़ में थी, और बहुत ही अमेजिंग, अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी थी, क्योंकि मैंने खुद इसे बाय किया है। सो मैं यहाँ से काफ़ी क्लिप्स लेकर आई हूँ यशवी के लिए। यहाँ पर हेयर एक्सेसरीज़ भी काफ़ी मिल रही थी, जैसे वो आर्टिफिशियल हेयर होते हैं, जूड़ा, जो आर्टिफिशियल जूड़ा होते हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी मिल रहे थे, जो कि 40-50 रुपीज़, अगर मैक्सिमम हम जाते हैं तो 150 में मिल जाएगा आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पर आपको पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर रिटेल में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, बट आपको कोशिश करनी है कि आपको रिटेल में मिल जाए, बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादातर शॉपकीपर आते हैं और वो बल्क में ले जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं चीज़ें दिखाना उन लोगों को जो बल्क में यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं। सो इस तरह के यहाँ पर ये इस तरह के बर्तन धोने वाला एक स्टील का ब्रश भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो बहुत सारे घरों में यूज़ होता है, तो ये 60 रुपीज़ में आपको 12 पीसेज मिलेगा, इस तरह का पूरा सेट आपको ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर पटरी मार्केट में बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगी हुई थी, हेयर क्लिप्स लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली यूजेस में यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएंगी। सो इस तरह के आप यहाँ पर ज्वेलरी आइटम बाय कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती हैं, जो आपको 10-10 रुपीज़ में ईयरिंग आपको यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे, बिकॉज़ ये अगर हम अदर मार्केट में देखें एज़ कंपेरिजन, तो ये हमें 100-150 रुपीज़ में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिलती हैं, जो चोकर होते हैं वो 500 में आपको मिलते हैं, जबकि इस मार्केट में ये हमें ओनली 50-40 रुपीज़ में मिलते हैं। तो इस तरह के चोकर भी आप यहाँ पर से बाय कर सकते हैं, जो मैंने खुद एक चोकर ऑनलाइन बाय किया था अमेज़ॉन से, जो मुझे 300 में मिला था,
क्योंकि मैंने यहाँ पर सेम चोकर देखा तो वो मुझे अराउंड 40 रुपीज़ में वो सेल कर रहे थे सिंगल पीस। तो इस तरह की बहुत सारी ज्वेलरी आइटम आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप एक ब्राइड हैं और अगर आप अपने लिए ज्वेलरी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इस मार्केट में आना चाहिए, बिकॉज़ जो यहाँ पर ज्वेलरी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत सारे, और वो भी चीप प्राइस में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन आपको मिल रहा है नेट पे तो आप यहाँ आके सर्च कर सकते हैं तो वो इजीली आपको यहाँ मिल जाएगा। बट ये है कि आपको टाइम पे मार्केट में आके यहाँ सर्च करना होगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत सारा टाइम आपके पास होना चाहिए। सो मैंने अपनी यहाँ पर मैं अपने लिए ज्वेलरी देख रही थी कि मुझ पे कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगती है। सो मैंने यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी देखी और मुझे जो पसंद आई वो मुझे बहुत ही चीप प्राइस में मिली, बिकॉज़ अगर मैं उसका ऑनलाइन रेट देखती हूँ तो वो 3 से 4 थाउज़ेंड के अराउंड थी, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिल गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर और भी चीज़ें सर्च की हैं, जैसे कि काफ़ी बैंगल्स में यहाँ पर देख रही थी कि क्या क्या प्राइस है, क्या चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर छोटे छोटे एनवलप भी काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएंगे। बच्चों के लिए हेयर एक्सेसरीज तो यहाँ पर आपको बल्क में ही बाय करनी चाहिए मेरे ओपिनियन से, बिकॉज़ मैंने यहाँ से यशवी के लिए बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज बल्क में बाय की हैं। आपको बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी, रबर्स हो गए। सो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बाय की थी, जैसे आपको डज़न में अगर 60 रुपीज़ में आपको बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेम चीज़ें होती हैं, बस डिफरेंट कलर्स होते हैं 12। सो आपको थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, बिकॉज़ आप अगर बहुत सारी चीज़ें भी, जैसे अगर एक हेयर बैंड आपको सेम डिज़ाइन का आपको 12 पीस मिलेंगे, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें ईजीली मिल जाएंगी हेयर एक्सेसरीज़ में। सो आप यहाँ पर ये एडी की रिंग बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी शाइन वाली ये रिंग्स होती हैं, बहुत ही अच्छी एक्सेसरीज में ये आती हैं, रिंग्स हो गए, इयररिंग हो गए। सो ये 50 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी यहाँ पर इजीली। सो मैंने यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी बाय की थी। अगर आपको मेरा शॉपिंग हॉल देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम यहाँ पर टॉय मार्केट में गए। मैं फ़र्स्ट टाइम टॉय मार्केट में गई, बट बहुत ही अमेजिंग मुझे यहाँ पर जाके लगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में आपको टॉयज़ मिल जाएंगे। टॉय मार्केट में भी यहाँ दो डिफरेंट तरह की टॉय मार्केट थी, एक पटरी मार्केट होती है और दूसरा जो शॉप्स में यहाँ पर लगे रहते हैं, लेकिन दोनों के ही चीप प्राइजेस होते हैं अदर शॉप से। सो यहाँ पर आप बल्क में आके बाय कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बिजनेस पर्पज़ से यहाँ पर लेना है तो, अदरवाइज आप रिटेल में यहाँ बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर 60 रुपीज़ डज़न में आपको बहुत सारी कार हो गई, डॉल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, बहुत सारे छोटे मोटे टॉयज़ होते हैं, वो 60 रुपीज़, 50 रुपीज़ में आपको बल्क में मिल जाएंगे, जिसमें आपको 12 पीसेज मिलते हैं। अगर आप सिंगल एक रिटेल में बाय करते हैं कोई भी कार या फिर कोई भी बड़ी वाली ट्रक हो गया, वो आपको 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 100 रुपीज़ मैक्सिमम आपको इतना तक जाएगा। सो यहाँ पर भी हमने यशवी के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ लिए थे। मैंने यहाँ पर पज़ल भी पूछे थे, जो बच्चों के पज़ल आते हैं अच्छी क्वालिटी के। मैंने वो अदर शॉप में भी कंपैरिजन किया है तो मुझे वो 700-800 के मिले, जबकि यहाँ पर जो प्राइस था वो 300-200 मैक्सिमम यही था प्राइस पज़ल का। अगर आपको अपने बच्चों के लिए टॉयज़ बाय करने हैं तो आप इस मार्केट में ज़रूर आइए। उसके बाद यहाँ पर बलून्स के पैकेट थे, जो कि 10 रुपीज़ में आपको पूरा पैकेट मिल जाएगा, अगर आप 50-60 रुपीज़ में आपको यहाँ पर बल्क में बलून मिल जाएंगे। इस पूरी मार्केट में सिर्फ आपको टॉयज़ हो गए, टेडी बियर हो गए। मैंने पर्सनली एक टेडी बियर ख़रीदा था जो मैंने देहरादून से बाय किया था, तो उसका जो कॉस्ट था वो 1200-1300 था बड़ा वाला, जबकि वही सेम प्राइस मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया तो वो 300 में मिल रहा था। तो सोचो आप कितना यहाँ पर मार्जिन रहता है टॉयज़ में। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप इस मार्केट में, अगर आप दिल्ली आए हैं तो इस मार्केट में ज़रूर आइए, और अगर आप दिल्ली में ही हैं तो इस मार्केट में ज़रूर जाइए अगर आपको कोई भी चीज़ बाय करनी है तो।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टॉयज़ और ज्वेलरी के लिए ही फेमस है। आप डे टू डे लाइफ में अपनी जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इस मार्केट में सभी हाउस होल्ड चीज़ें हो गई, हर चीज़ हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, वो आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा। जैसे ये ब्रशेज़ हो गए, तो ये ब्रश का 60 का पैकेट था और जिसमें 12 आपको ब्रशेज़ मिल रहे थे डिफरेंट टाइप के, 60 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉम आपको 12 मिल रही थी। तो आपको क्या चाहिए अगर आपको इतने प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फ्लावर पॉट का प्राइस पूछा, तो ये 150 में 2 फ्लावर पॉट थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। बिकॉज मैंने सेम फ्लावर पॉट एक स्टोर 99 से भी लिया था, वो मुझे 299 में मिला था, वो भी सिंगल, जबकि वहाँ पर 150 में 2 फ्लावर पॉट मुझे मिल रहे थे। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है प्राइस में यहाँ पर। इस तरह के टेडी बियर भी आपको इस पूरी मार्केट में जगह जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर यहाँ पर इसे मतलब पूरे बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टेट के लोग यहाँ से बाय करते हैं, ऑनलाइन भी यहाँ से बाय होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर बहुत सारे जो टॉयज़ थे, जो टेडी बियर्स या फिर इस तरह के जो भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ थी, वो बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ से लोग बाय करते हैं और अपने बिजनेस पर्पज़ से यूज़ करते हैं चीज़ों को। टॉय मार्केट में आपको जितना आप घूमो उतना टाइम कम है, हम पूरी मार्केट एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमको। तो हमने कोशिश करा कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखें कि क्या क्या कहाँ पर है, बट इस पूरी मार्केट में आपको सिर्फ टॉयज़ ही टॉयज़ मिलेंगे। इसी तरीके से हम पहले रुई मंडी में गए थे जहाँ पर हमें एक्सेसरीज़ मिली थी काफ़ी, तो यहाँ पर बहुत कुछ है गाइस एक्सप्लोर करने के लिए। हमें बहुत लेट हो गया था और हम आए भी लेट थे, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। जितना भी देखा वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, और अगर आप देहरादून से आते हैं या फिर अदर स्टेट से आते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर देखने को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इसे इन्जॉय किया होगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय गाइज़।